नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दीपक वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कैटेक। स्वागत है आपका ऑटोकैड 2018 ट्यूटोरियल के 8 लेसन में। इस लेसन में हम सीखेंगे कम्प्लीटली रेक्टेंगल के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट आती रहे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल की शॉर्टकट की होती है REC, एंटर। अब अभी तक आपने जो रेक्टेंगल बनाया वो लाइन की हेल्प से बनाया। फॉर एग्जांपल आपने एल एंटर किया, आपको 80 बाई 40 का रेक्टेंगल बनाना है, तो आपने एल एंटर किया, फर्स्ट डिस्टेंस दिया आपने 80, 40, डायरेक्शन एंड 80 एंड 40। तो अब दोस्तों हम सीखेंगे कि रेक्टेंगल कमांड से हम एक रेक्टेंगल को कैसे बना सकते हैं। तो बनाने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे REC, एंटर। जब आप REC एंटर करेंगे तो यहां पे आपको कमांड लाइन आपको शो करेगी रेक्टेंगल, स्पेसिफाई करें फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ। तो ये सब क्या होते हैं वो भी मैं आपको सब बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे मेरे को कहा स्पेसिफाई करें फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट का मतलब फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड बीच में यहाँ पे लगाया और। और का मीनिंग होता है दोस्तों कि या तो मैं इसकी ये वाली कंडीशन को फॉलो करूं या फिर मैं इन वाली कंडीशंस पे निकल जाऊं। तो सबसे पहले मैं ये वाली कंडीशन फॉलो करता हूं। मैं एक क्लिक करता हूं जो आपका फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करने के लिए। अब आपसे ये पूछता है कि रेक्टेंगल स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अब आप अदर कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करें या फिर आप निकल जाएं एरिया, डायमेंशन और रोटेशन पे। तो मैं नॉर्मली एक अदर कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करता हूं तो आपका एक नॉर्मल एक रेक्टेंगल बन जाता है। क्लियर दोस्तों? अभी जो आपने रेक्टेंगल बनाया है विदाउट डायमेंशन बनाया, जो आप नॉर्मली REC एंटर करके क्लिक फर्स्ट पॉइंट एंड क्लिक नेक्स्ट पॉइंट करके आप ना कोई भी एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अभी मान लो मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है और मेरे को रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बनाना है। मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है 80 बाई 40 का। मेरे को एक रेक्टेंगल चाहिए 80 बाई 40 का। तो मेरे को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे डायमेंशंस को सेट करने की। डायमेंशन को सेट हम कैसे करेंगे? हम करेंगे REC, एंटर। इसने बोला स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आप एक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करके स्पेसिफाई कर देंगे। अब जैसे ये बोलते हैं स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, ये मैं कंडीशन इसकी फिल कर चुका हूं। अब मेरे को जाना है डायमेंशन पे। दोस्तों डायमेंशन का फर्स्ट वर्ड है डी, और जो आपका ब्लू कलर में भी है, तो इसकी शॉर्टकट की हो जाती है डी। मेरे को सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि मैं डायमेंशन को यूज करने वाला हूं। तो आपको यहां पे प्रेस करना है डी एंड प्रेस कर दे एंटर। जब आप डी एंटर करेंगे तो आपसे सॉफ्टवेयर पूछता है स्पेसिफाई करें लेंथ फॉर रेक्टेंगल। मैं स्पेसिफाई कर देता हूं 80, एंटर, एंड विड्थ मैंने स्पेसिफाई किया 40, एंटर। तो आपका 80 बाई 40 का रेक्टेंगल बना। तो दोस्तों प्लीज ध्यान दें, अभी आप कमांड से बाहर नहीं गए हैं। अगर आपने यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बनाया और आप जस्ट इसके बाद एस्केप प्रेस कर देते हैं ESC जो आपका लेफ्ट अपर कॉर्नर में होता है, तो आपका रेक्टेंगल गायब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको REC, एंटर क्लिक करें फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशन के लिए प्रेस करें डी, एंटर, एंड लेंथ डालें 80 एंड विड्थ डालें 40, एंटर। जब आपका रेक्टेंगल आपको शो हो जाए, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, अभी आपके रेक्टेंगल कमांड से बाहर नहीं गए हो, अब आपने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहां पे लिया था, तो आपका रेक्टेंगल इस कॉर्नर से इधर भी बन सकता है, ऊपर भी, इधर भी या इधर भी। तो आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके स्पेसिफाई करेगी आपको रेक्टेंगल चाहिए कहां पे। उसके बाद आप DLI एंटर करके आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि आपका ये 80 बाई 40 है भी या नहीं। क्लियर दोस्तों? ऐसे आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट बनाते हैं। मान लो आपके पास एक प्लॉट है, प्लॉट का आपको एरिया पता है कि आपका प्लॉट का एरिया 4000 है, और आपने फ्रंट से उसको मेजरमेंट किया तो फ्रंट से आपको मिला 50, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 80। कैसे? एरिया इज इक्वल टू एल इनटू बी। एरिया है आपका 4000, आपको विड्थ पता है 50 है, तो हम 4000 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 80 आ जाएगा। अगर मेरे को उसके अकॉर्डिंग बनाना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा REC, एंटर। REC एंटर करने के बाद क्लिक करो फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद आपको एरिया के लिए प्रेस करना पड़ेगा A, एंटर। ये एरिया है यहाँ पे, आप A एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो मैंने डाला 4000, एंटर।
अब मुझसे पूछता है कि आप ये बताएं कि आपको लेंथ पता है या आपको विड्थ पता है। मैंने बोला विड्थ पता है, तो मैंने डब्ल्यू एंटर किया। डब्ल्यू एंटर करने के बाद इसने बोला एंटर रेक्टेंगल विड्थ, तो मैंने डाल दिया 50 एंटर। तो वो 50 बाई 80 का रेक्टेंगल एक अपने आप ही बना देगा। अगर आप इसे डायमेंशन चेक करें तो आप ये डायमेंशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं कि मेरे को एक 80 बाई 40 का रेक्टेंगल बनाना है और मेरे को वो रेक्टेंगल 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करके बनाना है। क्लियर दोस्तों? तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे एंड। सेकेंड पॉइंट क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे डालेंगे रोटेशन, तो रोटेशन के लिए आप प्रेस करें आर एंटर। आप यहाँ पे मैनुअल रोटेशन भी डाल सकते हैं या फिर आपसे यहाँ पे पूछते हैं स्पेसिफाई करें रोटेशन एंगल, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया 45 एंटर, तो वो रेक्टेंगल आपका 45 डिग्री के एंगल पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब मेरे को डायमेंशन भी चाहिए, तो आप प्रेस करें डी एंटर 80 बाई 40 एंटर, तो आपका 80 बाई 40, और माउस से क्लिक करके स्पेसिफाई करें कि आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया। क्लियर दोस्तों? उसके बाद आपको डायमेंशन चेक करनी है, तो आप अलाइन डायमेंशन से इसको चेक कर सकते हैं। DAL एंटर करके आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि ये 80 है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 40 डायमेंशन है। अगर आपको एंगल चेक करना है तो ये वाला एंगल है आपका, DAN एंटर करके आप ये वाला एंगल एंगुलर डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे वो हमेशा आपके 45 डिग्री के एंगल पे ही बनेगा। तो इस कमांड से आपको बाहर आने के लिए आपको दोबारा से आर एंटर पे जाना है, रोटेशन पे जाना है, और आपको 0 प्रेस कर देना है, तो आपको नॉर्मल रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, REC एंटर। अब मैंने इसको क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट इसकी यहाँ पे तीनों कंडीशन को फुलफिल किया है, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। तो अब निकलते हैं REC एंटर। यहाँ पे फर्स्ट है चैम्फर। दोस्तों चैम्फर क्या होता है? चैम्फर होता है कि आपके कोने ऐसे कटिंग में हो। अगर आपके कोने ऐसे कटिंग में होते हैं तो इसे हम चैम्फर बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि 80 बाई 40 का एक रेक्टेंगल बने जिसके कॉर्नर 10, इसमें चैम्फर में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस मतलब अगर मेरे को 10 यहाँ से चाहिए और 10 यहाँ से चाहिए, तो नॉर्मल रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे, 10 की लाइन यहाँ से, 10 की लाइन यहाँ से, एंड आप इसको मिलाकर उसको ट्रिम कर दोगे। क्लियर दोस्तों? बट आप चाहते हो कि रेक्टेंगल कमांड के अंदर मैं एक ऐसी कमांड यूज करूँ जो चारों कॉर्नर पे एक साथ चैम्फर का यूज करें, तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे REC एंटर। यहाँ पे है चैम्फर, चैम्फर के लिए आप प्रेस करेंगे सी एंटर। तो याद रहे दोस्तों, चैम्फर में हमेशा हम दो डिस्टेंस डालते हैं, फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकंड डिस्टेंस। इसने बोला स्पेसिफाई करें फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मैंने 10 प्रेस कर दिया एंटर। अब ये बोलता है स्पेसिफाई करें सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, तो मैंने ये बोला 10 एंटर। अब आप जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो चैम्फर डिस्टेंस के साथ ही बनेगा जो चारों कॉर्नर पे चैम्फर होगा। अगर आपको चारों कॉर्नर पे चैम्फर चाहिए तो आप रेक्टेंगल के सब कमांड जो चैम्फर है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली कॉर्नर पे अलग अलग चैम्फर चाहिए तो आप चैम्फर कमांड को अलग से यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जिसकी शॉर्टकट होती है CHA एंटर। क्लियर दोस्तों? तो मेरे को अब नॉर्मल विदाउट डायमेंशन अगर मैं क्लिक करूं तो मेरा चैम्फर बन जाएगा। अगर मेरे को डायमेंशन चाहिए तो विदाउट कमांड से बाहर आए, आप यहाँ पे डी एंटर करें एंड यहाँ पे प्रोवाइड कर दें 80 बाई 40 आपको चाहिए एंड क्लिक कर दें, तो आपके 80 बाई 40 का एक चैम्फर बन जाएगा यहाँ पे रेक्टेंगल। तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं DLI एंटर करके कि आप यहाँ पे ये यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका 10 है या नहीं है, तो आप क्लियरली उस सब चीजों को चेक कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो आपका चैम्फर के साथ ही आएगा। अगर आपको चैम्फर कमांड से बाहर आना है तो आप REC एंटर करें, उसके बाद C एंटर करें, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 0 करें, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 0 करें, तो आप नॉर्मल रेक्टेंगल पे आ जाएंगे। अगर आप चैम्फर डिस्टेंस 0 नहीं करेंगे तो वो सेम आपका रेक्टेंगल वहीं से चलता रहेगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आता है फिलेट। फिलेट होता है कि आपको कॉर्नर ऐसे राउंड करने हैं, आपको चारों कॉर्नर एक साथ राउंड करने हैं। उसके लिए आप प्रेस करेंगे REC एंटर। फिलेट के लिए आप प्रेस करेंगे F एंटर। F एंटर करने के बाद ये जो पार्ट है ये एक सर्कल का पार्ट है जिसके अंदर हम रेडियस प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे पूछते हैं स्पेसिफाई करें फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया 10 एंटर। एंड अब जब रेक्टेंगल बनाओगे तो वो रेडियस के साथ आएगा, वो फिलेट के साथ आएगा। आप डायमेंशन डाल सकते हैं, इसके लिए आप प्रेस करें डी एंटर 80 बाई 40 एंटर, तो आपका यहाँ पे फिलेट आ गया। अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करें, आप रेडियस चेक कर सकते हैं,
आप इसके ये डायमेंशन चेक कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये होता है आपका फिलेट। अब जब भी रेक्टेंगल बनाएंगे आप फिलेट के अंदर ही रहेंगे, आपको फिलेट कमांड से बाहर आना है, तो आप आरईसी एंटर करें, एफ एंटर करें और फिलेट को जीरो कर दें, तो आप नॉर्मल रेक्टेंगल में वापस आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट निकलते हैं एलिवेशन पे। दोस्तों एलिवेशन क्या होता है? देखो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पे ई एंटर किया एलिवेशन के लिए, और एलिवेशन अभी जीरो, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया नॉर्मल। क्लियर दोस्तों? मैंने दोबारा से रेक्टेंगल कमांड पे गया, तो यहाँ पे एलिवेशन ई एंटर किया, मैंने एलिवेशन डाला 5, एंटर, तो मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया। नेक्स्ट अगेन मैंने एलिवेशन पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 का एलिवेशन डाला, तो यहाँ पे एक मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया। अब दोबारा मैं एलिवेशन कमांड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने 15 का एलिवेशन डाला और मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, ये साइजेस के डिफरेंस है जो मैंने अपने अकॉर्डिंगली है। बट एलिवेशन का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों अभी तक आपके जो प्लान्स बने हुए हैं वो इस ग्रिड लाइन पे बने हुए हैं। अगर मैं व्यू पोर्ट को रोटेट करके देखता हूँ, व्यू पोर्ट को रोटेट आप कैसे करेंगे? अगर आप नॉर्मल स्क्रॉल बटन प्रेस करते हैं तो आपका हैंड का साइन आता है, तो इसे बोलते हैं पेन। और अगर मैं शिफ्ट के साथ अगर मैं स्क्रॉल बटन प्रेस करता हूँ तो आपका जो कर्सर है वो ऐसे हो जाता है, इसे बोलते हैं ऑर्बिट। और अगर मैं माउस को ड्रैग करूं तो वो व्यू पोर्ट को ऐसे रोटेट कर देगा। अगर मैं अब यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जो फर्स्ट वाला था आपका एलिवेशन जीरो था, वो नीचे बना है, वो 5 के हाइट पे बना है, ये 10 हाइट पे, 15 हाइट पे, ये आपके एलिवेशन होते हैं, आपको हाइट पे बनाना। क्लियर दोस्तों? वापस मेरे को अगर सेम पोजीशन पे आना है तो आप यहाँ से कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टॉप करेंगे, यहाँ से टॉप नहीं करेंगे। ये टॉप और इस टॉप में बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों अब एलिवेशन कमांड से बाहर आने के लिए आप आरईसी एंटर करें, ई एंटर करें और एलिवेशन को जीरो कर दें। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आता है आपका थिकनेस। थिकनेस के लिए आप प्रेस करेंगे टी एंटर। टी एंटर जब करेंगे तो आप थिकनेस, अगर आपने यहाँ पे 10 प्रोवाइड की, और अगर आप अब रेक्टेंगल बनाते हैं तो आपको कोई कुछ यहाँ पे डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, बट अगर आप रोटेट करके देखते हैं तो जो ये वाली थिकनेस है, ये थिकनेस आती है थिकनेस के अंदर। क्लियर दोस्तों? वापिस मैं टॉप करता हूँ, थिकनेस से बाहर निकलने के लिए वापिस मेरे को आर सी एंटर करना है, टी एंटर करना है, जीरो कर देना है। एंड नेक्स्ट आता है विड्थ। विड्थ के लिए मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, आर सी एंटर और डब्ल्यू एंटर। उसके बाद अगर मैंने विड्थ डाला यहाँ पे 5 का, अगर मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ तो ये लाइन की थिकनेस करता है। अब जब भी रेक्टेंगल बनाएंगे तो विड्थ के साथ ही आएगा। अगर विड्थ से आपको बाहर जाना है तो आप आर सी एंटर करें, डब्ल्यू एंटर करें एंड जीरो कर दें, और आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे। क्लियर दोस्तों? चलो एक चीज मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है और वो है आपका 80x40। क्लियर? एक और मेरे को इस रेक्टेंगल में यहाँ पे चैम्फर चाहिए, यहाँ पे चैम्फर चाहिए, यहाँ फिलेट चाहिए और यहाँ पे फिलेट चाहिए। अभी तक दोस्तों मैंने चैम्फर और फिलेट यूज किया वो रेक्टेंगल कमांड के अंदर यूज किया, जो चारों कॉर्नर पे फिलेट कर देता है या चैम्फर कर देता है। अब मुझे फिलेट और चैम्फर चाहिए जो इंडिविजुअल कॉर्नर पे चाहिए, तो आपको कमांड भी इंडिविजुअली ही लगानी होगी। तो चैम्फर के लिए आप प्रेस करेंगे CHA एंटर। अब चैम्फर आप प्रेस करोगे, चैम्फर यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। अब चैम्फर के अंदर आपको पता है दोस्तों हम यूज करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप प्रेस करेंगे D एंटर। अब ये पूछेगा आपको स्पेसिफाई करें फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो उसके लिए आप प्रेस कर देंगे 10 एंटर एंड सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस 10 एंटर। और उसके बाद आप फर्स्ट लाइन ये क्लिक करेंगे, सेकंड ये क्लिक करेंगे, आपका चैम्फर लग जाएगा। आप चैम्फर कितने का भी ले सकते हैं, 10x20। अगर आप CHA एंटर करते हैं, डिस्टेंस D एंटर करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 10 डालते हैं, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 20 डालते हैं, अगर आप अब क्लिक करते हैं तो आपकी लाइन ऐसे कटेगी यहाँ पे। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है कि अगर आपको फिलेट कमांड यूज करनी है तो आप यूज करेंगे F एंटर। फिलेट में हम हमेशा रेडियस बोलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेडियस है तो आर एंटर करेंगे, रेडियस स्पेसिफाई करेंगे कि आपको 10 चाहिए एंटर, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, तो आप इंडिविजुअली वहां पे रेडियस डाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? इंडिविजुअली चैम्फर कैसे यूज करते हैं और इंडिविजुअली फिलेट कैसे यूज करते हैं, तो वो अभी आपने यहाँ पे सीखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि आपको कैसे रेक्टेंगल यूज करते हैं, इसके अंदर क्या क्या इसकी सब कमांड्स होती हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि और मैं इसके अंदर क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।